हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से धो लिया है। धो के रख दिया है। मेरे यहाँ पे 1.5 केजी चिकन है। यहाँ पे मैंने आलू 2 टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो आलू स्किप भी कर सकते हैं। आलू को थोड़ा सा नमक दे के फ्राई कर लेंगे। आलू का जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता तब तक आलू को फ्राई कर लिया है मैंने। जब तक आलू फ्राई हो रहा है तब तक चिकन के लिए एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे बहुत सारा लहसुन, 2 इंच अदरक, 15-20 हरा मिर्च को मैंने एक पेस्ट बना लिया है। आप मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेस्ट बना लिया है मैंने। तब तक मेरा आलू भी फ्राई हो चुका है। अब आलू को हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल के इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे 4 बड़े प्याज मैंने ऐसे काट लिया है। अब उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। फिर 2 तेज़पत्ता, जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी डाल लें। फिर इसमें वो प्याज डाल दिया है मैंने। प्याज को हम अच्छे से भूनना है। अब प्याज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है ताकि मेरा ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा हो। फिर यहाँ पे मैंने उसका पेस्ट डाल लिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसको अच्छे से प्याज के साथ भूनना है 5 मिनट तक ताकि उसका कच्चा स्मेल चला जाए। थोड़ा सा पानी दे दिया है। पानी दे के इसको 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। साथ ही साथ हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा तीखा बना रही हूँ इसलिए हरा मिर्च ज़्यादा यूज़ किया है और लाल मिर्च का पाउडर भी ज़्यादा यूज़ किया है। यहाँ पे मेरा मसाला 5-10 मिनट हो चुका है पकाने में। अब यहाँ पे कुछ टमाटर डाल देंगे। 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने। थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। आप चाहे तो टमाटर को यहाँ पे पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ढक दिया है और इसको ताकि टमाटर मेरा जल्दी पक जाए। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के फिर से अब इसको 10 मिनट तक भूनना है मसाले इसको। मसाला बीच बीच में चलाते रहिएगा। मसाले को अगर आप ढक के पकाएंगे तो जल्दी पक जाता है। और यहाँ पे मैंने चिकन भी ऐड कर लिया है। चिकन में अब नमक डाल देंगे ताकि चिकन जल्दी सॉफ्ट बन जाए। नमक डालते ही चिकन को अच्छे से मिलाएंगे मसाले इसके साथ। अब चिकन को मसाले इसके साथ 5-10 मिनट तक भूनना है। कवर करके भूनना है, ढक ढक के भूनना है ताकि मसाले इसके साथ अच्छे से पक जाए चिकन। यहाँ पे मेरा लहसुन, अदरक, प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का था ताकि मेरा ग्रेवी भी थोड़ा ज़्यादा बने। इसीलिए यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम में चिकन को 10 मिनट तक भूना है। थोड़ा सा ढक दिया है 5 मिनट के लिए। अभी चिकन से पानी रिलीज़ हो चुका है। अभी फिर से इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे मीडियम फ्लेम में भूनेंगे चिकन को। अब यहाँ पे चिकन हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। 10 मिनट बाद देखिएगा चिकन यहाँ पे फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा पक चुका है। अब इसमें गरम पानी डालेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। गरम पानी डालने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। गरम पानी डाल दिया है मैंने। साथ ही साथ उसमें फ्राई किए हुए आलू भी डाल देंगे ताकि आलू ग्रेवी के साथ थोड़ा बॉईल हो जाए। पानी में उबाल आते ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे ग्रेवी के लिए। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए अभी थोड़ा सा डाला है। पानी में उबाल आते ही अब इसको ढक देंगे लो फ्लेम में 10 मिनट तक। अब 10 मिनट हो चुका है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गरम मसाला पाउडर डाल दिया है 2 चम्मच।
ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। गरम मसाला पाउडर डाल के फिर से 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। देखिए मेरा ग्रेवी का टेक्सचर ऐसे आ गया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे सिंपल करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।